देखो, म्यूज़िक ऑडिशन तो बहुत दे चुका हूँ मैं। इंडियन आइडल से रिजेक्ट हो चुका हूँ, पॉप स्टार से रिजेक्ट हो चुका हूँ, रोडीज़ में तो था ही। एक शो आता था सिने स्टार्स की खोज, हाँ उसमें चंडीगढ़ में मैं रिजेक्ट हो गया था। मुझे रिजेक्शन बहुत इनक्रेज करती है। तो किसी को लगता था मेरी आईब्रोज बहुत घनी है तो मैं लीड एक्टर नहीं बन सकता, उनको लगता था। एक एक्टर अपनी रियल ज़िंदगी में इमोशनल होता है तो लोग उससे रिलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इमोशनल होने का हक ही नहीं होता। आज जिस शख्स के साथ हम बैठे हैं उनके बारे में क्या ही कहा जाए, उनकी चॉइसेस हमेशा अलग रहते हैं और अपने कंटेम्परेरी से हमेशा हटके वो थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा फैशन में फिल्मों में सारी चॉइसेस अलग रहते हैं। आयुष्मान खुराना जॉइन मी फॉर अ कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद नयन। थैंक यू। हाँ, क्या आपने कभी सोचा था 15 साल पहले कि आप इस जगह बैठोगे या फिर आप इस जगह पहुंचोगे लाइफ में? एक्टर बनने का सोचा था, एक बड़े पर्दे पे आने का सोचा था, वहाँ पर जाकर कितना सक्सेसफुल होऊंगा वो नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ यही गोल था कि मुझे एक फिल्म मिल जाए, एक अच्छी फिल्म मिल जाए और एक पहचान बना सकूँ। इतनी बड़ी पहचान बनेगी, ये मतलब मेरे सोच के आगे थी बात। तो गोल वहीं तक था, सिनेमा में जाने तक का। पर आयुष्मान, जब आप एक फिल्म फैमिली से नहीं आते हो तो आपकी पेडिग्री बहुत डिफरेंट होती है, आपकी अपब्रिंगिंग भी बहुत डिफरेंट होती है और आप पंजाब से हो, चंडीगढ़ से, जहाँ पे एकेडमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कुछ बन के एक प्रोफेशन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो हाउ डिड यू कन्विंस, अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस किया? डिफ़िकल्ट था? अब इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, पेरेंट्स भी आर्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते थे। माई फादर वॉज़ वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, एवरी थिंग। सो उनसे काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला। स्कूल में कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी तो मैं हमेशा हिस्सा लेता था। आई वॉज़ अ कैप्टन, को करिकुलर कैप्टन ऑफ द स्कूल। तो वहाँ पर चाहे म्यूज़िकल्स हो या सिंगिंग हो, डिबेटिंग हो, आई वॉज़ द फर्स्ट वन इन द क्लास टू जस्ट टेक पार्ट। तो ये सब बहुत इंकरेजमेंट मिली, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अकेडमिक्स। वो चाहते थे कि मैं अकेडमिक्स में भी अच्छा करूँ, पढ़ाई में भी अच्छा करूँ, और पढ़ाई में अच्छा करूँगा तो इस पे ज़्यादा जोर दिया जा सकता है। सो वो दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी। पढ़ाई में कितने अच्छे थे आप? मतलब 10th में 81 आ गए थे मेरे, इट्स अ गुड लाइक नंबर। दैट्स अ गुड नंबर फॉर लाइक या फॉर दैट टाइम। या शुरुआत कहाँ से किया, कहाँ पे वो पहला ये था, पहला ऑडिशन याद है? बॉम्बे मूव करने से पहले ऑडिशन दिया था या बॉम्बे मूव करने के बाद? बॉम्बे से पहले, मूव करने से पहले भी मैं ऑडिशन एक देखो म्यूज़िक ऑडिशन तो बहुत दे चुका हूँ मैं। इंडियन आइडल से रिजेक्ट हो चुका हूँ, पॉप स्टार से रिजेक्ट हो चुका हूँ, रोडीज़ में तो था ही। एक शो आता था सिने स्टार्स की खोज, हाँ उसमें चंडीगढ़ में मैं रिजेक्ट हो गया था। या सो पर मुंबई में आकर आई वॉज़ मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं बहुत थिएटर कर चुका था चंडीगढ़ में। सो आई हैड लाइक रियली वेल वर्स माई सेल्फ कि हाँ, मैं एक मजा हुआ थिएटर एक्टर बन चुका था कॉलेज टाइम में। जब टीवी से आप आते हो तो एक टैग लग जाता है, वो टैग हटाने में भी बहुत मुश्किल होती है बहुत एक्टर्स को जिन्होंने टीवी से ट्रांजिशन किया है। आपके लिए इतनी मुश्किल पहले थी? तब नोशन था हाँ कि टीवी के लोग सिनेमा में नहीं आ सकते, इट वॉज जस्ट अ नोशन दैट टाइम। बट आई थिंक अगर अगर आप एक्सेल कर रहे हैं टीवी में, किसी भी मीडियम में आप एक्सेल कर रहे हैं और आपकी एक फॉलोइंग है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो प्लंज आप ले सकते हैं। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आप कभी, कई लोग बोलते हैं मैं टीवी नहीं करूँगा, पर आप किसी मीडियम को छोटा नहीं समझ सकते, उस मीडियम में बहुत पावर है। अगर आप अपने आप को प्रूव करते हैं वहाँ पर, प्रूव कीजिए कि आप उस मीडियम के लायक भी हैं कि नहीं हैं और उसमें अच्छा कीजिए, तो आपको चांस मिलेगा फिल्म में। इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक।
टैलेंट हर एक में होता है, हार्डवर्क हर कोई करता है, वो कौन सा जरिया है जो आपको ऊपर लेके जाएगा, एंड दैट्स द चॉइस। मुझे ये जानना है कि एट द एंड ऑफ द डे आप भी एक ह्यूमन हो, जितने भी आप सपनों के पीछे भाग लो, कभी कभी रिजेक्शन आपको थोड़ा बहुत बॉक डाउन कर ही देती है। क्या ऐसा माहौल हुआ, बिकॉज आप घर से भी दूर रहते थे, ऐसा कभी हुआ? मुझे रिजेक्शन बहुत इनकरेज करती है। आई थिंक वो अलग मिट्टी का बनाया मुझे मेरे पेरेंट्स ने या फिर मेरी थिएटर ट्रेनिंग ने। अगर कोई मुझे रिजेक्ट करता है तो मुझे अंदर से कॉन्शियसनेस होती है कि मुझे कुछ ये प्रूव करना है अपने आप को कि मैं कर सकता हूँ। तो वो अलग तरह की मेरी मोटिवेशन होती है, वो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, सेल्फ बिलीफ काफ़ी ज़्यादा है। सो आई थिंक इट्स गुड टू बी रिजेक्टेड। अगर रिजेक्शन आप नहीं फेस करते ज़िंदगी में तो आप कहीं पहुँच ही नहीं पाओगे, कुछ सीख ही नहीं पाओगे। यू नो, आज हम लोग एक्टर्स जैसे आप, राजकुमार राव, विकी कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनकी इतनी तारीफ़ करते हैं, बट हर किसी के साथ अगर आप बात करो तो उनको उनको एक टाइम पे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे हैव लुक्ड उनको रिजेक्ट किया गया ऑडिशन में। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, एक किसी को लगता था मेरी आईब्रोज बहुत घनी है तो मैं लीड एक्टर नहीं बन सकता, उनको लगता था। कईयों को लगता था मैं टीवी पे भी लीड एक्टर नहीं बन सकता था। तो क्यों? बिकॉज ऑफ माई आईब्रोज एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो। बट डिड यू वर्क विद देम? उसके बाद कभी उनके साथ काम किया? नहीं, उनसे शायद मुलाकात भी नहीं हुई, नाम भी भूल गया हूँ। अच्छा, नॉट वन ऑफ द टॉप? या नो। डू यू नो दैट पीपल कंसिडर एनीथिंग विच इज अ लिटिल अनकन्वेंशनल बट फनी बट समथिंग वेरी एंटरटेनिंग, इट्स कंसिडर्ड आयुष्मान खुराना टाइप मूवी? इट इज अ फैक्ट? या आई नो, मैं सुना है, काफ़ी रिव्यूज में भी देखा है काफ़ी फिल्म की, बट आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सॉर्ट्स। पर वंस इन अ वाइल मैं जॉनर से अलग जाकर कुछ करना चाहता हूँ, चाहे वो मतलब चाहे अंधाधुन हो, आर्टिकल 15 हो, या फिर एक्शन हीरो हो, तो मेरे जॉनर से अलग है, तो दैट्स लॉट ऑफ फन। आप में क्या चलता है जहाँ पे आप सोचते हो कि नहीं मुझे ये सब सोचना नहीं, या फिर आपके आजू बाजू में बात? यार, जब आप थिएटर बैकग्राउंड से होते हो तो आप ये सब ये सोचते हो कि ये रोल एक तरह का ब्लेसिंग है। हाँ, कि आपको ये रोल करने का मौका मिला है, ये कहानी कहने का मौका मिला है, कुछ वैल्यू ऐड करने का मौका मिला है सोसाइटी में। सो वो वहाँ से आता है। आप ये नहीं सोचते कि मैं एक हीरो हूँ और मेरी इमेज ऐसी है, उसको मेंटेन करनी है या लोग क्या कहेंगे। एज एन एक्टर यू आर जस्ट नेकेड, कि आपको जो मिलेगा उसको कन्विक्शन के साथ करना है। अगर अनकन्वेंशनल है, इट्स इवन बेटर। अंधाधुन से पहले ना एक टाइम ऐसा था जहाँ पे बहुत सारी मूवीज आए थे, एंड वहाँ पे भी आयुष्मान का वो जो हंगामा है वो हुआ नहीं था, एंड अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे लगता है कि अंधाधुन में उतना ज़्यादा बिलीफ भी नहीं था जब तक वो चली नहीं थी। ऐसे मूवीज़ को आप जब चला देते हो तो आपके पास कोई लोग आके बोलते हैं जो सब पहले आपको कॉन्शियसली सपोज़ आपको बोला होगा कि ये मत करो, वही लोग आके आपको बोलते हैं कि यार बहुत कमाल का काम किया? ऐसे भी बहुत लोग, इनफैक्ट मेरी सारी फिल्में जो है वो बॉलीवुड की रूल बुक से बाहर की थी, तो वो उसमें फिट नहीं बैठती थी रूल बुक में कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हर एक फिल्म के लिए, चाहे विकी डोनर हो या दम लगा के हिशा हो, शुभ मंगल सावधान वॉज अ बिग रेड फ्लैग फॉर ऑल द कमर्शियल पंडित्स कि ये कैसे एक हीरो कैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात कर सकता है। अंधाधुन वॉज वेरी ऑफ सेंटर फॉर इसकी, उसकी तो ओपनिंग भी नहीं आई थी यार, धीरे धीरे करके उसका वर्ड ऑफ माउथ बड़ा था और इट बिकेम व्हाट इट बिकेम। अंधाधुन तो हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी। We always thought we are making a critically acclaimed film, you know, but it became like a commercial success. Wo badhai ho was, of course, hum soch rahe the ki commercial success hogi because it's a family film, usme puri family involved hai, to dynamics uske perfect the. So yeah, Dream Girl 2 bhi lately logon ne mujhe bola tha ki aap
60-70% ऑफ द फिल्म यूर अ गर्ल, आप ये कैसे कर सकते हो? मतलब हीरो के बल पर फिल्म चलती है, पूरी फिल्म में आप हीरोइन लड़की बने हुए हो, इट विल इम्पैक्ट द फिल्म. हर्षमान, इतना सक्सेस देखने के बाद भी क्या आप वही इंसान हो जो आप पहले थे? आज भी घर वापस जब जाते हो तो और अपने दोस्तों से मिलते हो, पुराने दोस्त अभी भी है, कैसा है लाइफ? मेरे सभी पुराने दोस्त ही हैं, नए दोस्त कम हैं, और वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे पहले करते हैं. चाहे मेरी फिल्म चले ना चले, फैमिली वैसी ट्रीट करेगी. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेवल ऑफ, तो वो ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होती है एक आर्टिस्ट के लिए, नहीं तो आप हमेशा बबल में रहेंगे और यू विल बी लाइक पीपल सरप्राइज यू एंड शॉक यू बिकॉज देयर लॉट ऑफ फेयर विद द पीपल अराउंड यू. तो आई थिंक वो ग्राउंडिंग ज़रूरी है कि आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सक्सेस और फेलियर, पीपल शुड लव यू एंड यू शुड कीप देम क्लोजर टू यू. पर्सनल लाइफ में जब कोई भी यू नो क्राइसिस होती है, पर्सनल क्राइसिस, स्पेशली विद योर फादर एंड विद योर वाइफ, हाउ डू यू इमोशनली डील विद इट? तब कैसे, मतलब एक इवेंट पे जाके आपको हंसना है, बट कैसे करते रहते हो? मतलब डिफिकल्ट लगता है? इट इज ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट, और खासकर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जब जहाँ पे आप इमोशंस बेच रहे हैं. आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जहाँ पर आप किसी के कहने पर हंस सकते हैं, किसी के कहने पर रो सकते हैं, और उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि आप थोड़े नम हो चुके हैं, क्योंकि ये आपका काम है. सबसे मुश्किल मेंटल और इमोशनल काम हमारा है, क्योंकि हम इमोशंस को ही बेचते हैं और इमोशंस के ज़रिए लोगों तक पहुंचते हैं. और जब एक एक्टर अपनी रियल ज़िंदगी में इमोशनल होता है तो लोग उससे रिलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इमोशनल होने का हक ही नहीं होता. कैमरे के सामने रो दें या कुछ कह दें, वो हम कर नहीं सकते. इट्स आई डोंट नो, ये आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस और नॉट. एब्सोल्युटली. तो मुझे लगता है कि वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट आप लेकर चलते हैं, आप में को प्रिपेयर करते हैं अगर आप एक क्राइसिस से जा रहे हैं, खासकर अगर आप इमोशनल क्राइसिस से जा रहे हैं. आप लाइक व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, आई एम ग्लैड कि बीच में मुझे टाइम मिला रिकुपरेट करने का. मतलब मेरे पास एक महीना था जहाँ पर मैं खुद समझ पाऊँ मेरे साथ क्या हुआ है, उसके बाद मैं इस फिल्म के साथ आया हूँ. एंड बट व्हाटएवर इज हैपनिंग विद दिस फिल्म, आई रियली बिलीव इट्स बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स.